પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે ત્યારે તેઓ આવતીકાલે ગાંધીનગર પહોંચશે. મુંબઈ સેન્ટ્રલ વચ્ચે શરૂ થનારી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપશે. વડાપ્રધાન મોદી આવતીકાલે જે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાના છે, જુઓ તેની ખાસ ઝલક આ રિપોર્ટમાં. वंदे भारत एक्सप्रेस का ये जो पूरा शेप हम आपको दिखा रहे हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है. इसीलिए ये अपग्रेडेड वर्जन है, हाईटेक तकनीक से पूरी तरह से लैस है. वो अत्याधुनिक सुविधाओं का खजाना इसके पास मौजूद है जो फिलहाल कहीं भी मौजूद नहीं है. किसी और ट्रेन का अगर जिक्र करें तो कोई तुलना ही नहीं है. हम खुद मौजूद हैं तो बेहद आरामदायक शानदार ये यात्रा है जहां पर कई तरह की सुविधाएं हैं. फिलहाल यही कहा जा सकता है कि नेट की सुविधा, जीपीएस से की सुविधा, इसके अलावा जो तमाम सुविधाएं यहां पर हैं जिनकी फेहरिस्त वाकई यहां पर बहुत लंबी है. सीसीटीवी कैमरा भी दिखा देते हैं. देखिए, जब भी हम सफर करते हैं, खुद अकेले करते हैं या परिवार के साथ करते हैं या अपने माता पिता के साथ करते हैं, तो सुरक्षा से बड़ा पैमाना यहां पर होती है. यानी अगर कोई अकेले भी सुरक्षा कर रहा है या कोई अकेले महिला भी सुरक्षा कर रही है तो उसे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ट्रेन में सीसीटीवी की देखिए व्यवस्था जो है वो जगह जगह की गई है. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि दो ट्रेनों की जो टक्कर है वो यहां पर इस हादसे को काफी हद तक ये टाल देगी. बहुत पहले ही इस हादसे की जो भांप है वो वंदे भारत एक्सप्रेस को लग जाएगी, जिसके बाद वक्त पर पटरी पर ये रुक सकती है. यानी कि ये तकनीक भी इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है. 32 इंच का ये LCD स्क्रीन भी दिखा देते हैं जो कि हर कोच में यहां पर नजर आ जाएगा, जिस पर पूरी तरह से यात्रियों को अपडेट्स दी गई है. शौचालय जो है वो दिव्यांगों के लिए अलग बनाए गए हैं, जो आम यात्री होंगे उनके लिए अलग बनाए गए हैं ताकि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उन्हें किसी तरह की सफर के दौरान दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको हम यहां पर दिखाएंगे फर्स्ट एड किट, यानी कि अगर किसी तरह से कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए भी पूरी तरह से व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि किसी भी तरह से यात्री को असुविधा यहां पर ना हो. थोड़ा और आगे यहां पर बढ़ते हैं, बहुत जल्द दिखाते हैं. पीने के पानी की पूरी व्यवस्था देखिए, बहुत ही शुद्ध हवा आप जब इसके अंदर सफर करेंगे तो आपको महसूस होगी. प्यूरिफायर यहां पर हर कोच पर लगाया गया है. साथ ही पीने के लिए चाहे गर्म पानी की व्यवस्था है, डीप फ्रीजर यहां पर मौजूद है, बॉटल कूलर यहां पर मौजूद है, जिसमें किसी भी तरह की हर व्यवस्थाएं जो है वो यहां बहुत आसानी से मिल जाएंगी. ब्रेल लिपि भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं, जब सफर करते हैं तो उन्हें दूसरों से पूछना पड़ता है, उसके लिए भी यहां पर पूरी तरह से इंतजाम किया गया है ताकि वो इसे छूकर भी इस बात गाले कि आखिर उनकी सीट का नंबर यहां पर क्या है, जो कि एक अपने आप में बेहतरीन पहल है.